नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में तुला राशि वालों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। प्रभु महाबली जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बधाई हो, आपकी कुंडली में महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, अब आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी ने दे दिया अमीर बनने का बहुत बड़ा शुभ संकेत। अब आप बिना कुछ किए ही राजा बनोगे, क्योंकि दोस्तों आपके कुंडली में महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रही है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हम सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं, यानी कि हमारे जीवन में खुशियों का आना जाना लगा रहता है। कभी हमें दुख तकलीफ होती है, कभी हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, तो कभी हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं। जी हां दोस्तों, आपका नसीब अब आसमान छुएगा। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, राजा से भी महाराजा अब आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप भी किसी राजा से कम नहीं होंगी। लेकिन जो बात हम आप सभी को बता रहे हैं, आप इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो आप आगे चलकर बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों किस्मत ऐसा मौका बार बार नहीं देता है। इसलिए अगर यह मौका आपको मिला है तो आप इस मौके का भरपूर लाभ उठाइए, इस मौके का सदुपयोग कीजिए। जी हां दोस्तों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके जीवन में चार चांद लगाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके जीवन में किस तरह से चार चांद लगाने वाले हैं और आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है तो कौन कौन से बड़े लाभ आज आपको देखने को मिलेगा, कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देगी। संपूर्ण भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में 100% सटीक होगी। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। वीडियो में बताई गई सारी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित है, जरा सा भी मिस करेंगे या वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, केवल नसीब वाला ही आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख पाएगा, और जो अंत तक देख लेगा इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि वह माला माल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रिद्धि सिद्धि के दाता और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, जिससे कि आपको घर घर जाकर सबको मिठाई बांटना पड़ेगा और सबका मुंह मीठा करना पड़ेगा। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके कर्मों का बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस समयावधि में गजकेसरी योग धन लक्ष्मी प्राप्ति योग दो राजयोग और धन योग का निर्माण हुआ है। इसलिए दोस्तों आपके लिए भाग्य उदय का समय कहा जा सकता है, एक प्रकार से यूं कहें तो आपका भाग्य उदय हो सकता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, चार बड़े योग आपके कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हां, सोई हुई किस्मत जगमग आने वाली है। अगर यह सुनहरा मौका आपके हाथ से जाएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जी हां, इस चाहे जी जान ही क्यों ना पड़े, लेकिन यह मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ होने वाला है और आपको बड़ी बड़ी सफलता मिलने वाली है। कामयाबी ऐसी होगी जो कि पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत खास है और इस वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर हुआ, आपसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के जो भी सच्चे भक्त सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में रिद्धि सिद्धि के दाता जय हो गणपति महाराज लिखेगा, भगवान गणेश जी उन्हें हर चीज में तरक्की देगी, हर एक जगह कामयाबी मिलेगा, तो आप जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके नाम से दो संदेश आया है और यह खुशखबरी सच में सबको पागल कर देगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें,
वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना, क्योंकि यह राज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो फिर समझ लीजिए सारा खेल खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है। जी हाँ, मजाक समझने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, देवों के देव भगवान ब्रह्मदेव जी आपके जीवन में करने वाले हैं बहुत बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, और यह उलटफेर आप सभी के जीवन काल में हड़कंप मचा देगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली के मध्य भाग में गुरु और शुक्र विराजमान होने वाले हैं। जी हाँ, जिससे कि दोस्तों धन लक्ष्मी लोक का निर्माण होने जा रहे हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले आपको 5 बड़ी खुशखबरी एक साथ प्राप्त होगी, और यह खुशखबरी आपके दुश्मनों को, आपसे ईर्ष्या करने वालों को पागल करके रख देगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। जिंदगी में कब क्या हो जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जी हाँ, लोग रातों रात गरीब पति से अमीर पति बन जाते हैं, रोड पति से करोड़पति बन जाते हैं, और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। यूं कहें तो अब आप भी करोड़पति बनने का समय आ गया है, कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और भगवान ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि आपके नाम से वह कौन से 2 बड़े संदेशा आया है और कौन सी खुशखबरी मिलेगी, जो कि यह खुशखबरी सबको पागल कर देगी। वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आपके समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी, और जो जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी आप उसे हमेशा याद रखो। ये ऐसी बात हम आपको बताकर जाने वाले हैं। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका सोया हुआ किस्मत जागने वाला है। जी हाँ, और जब सोया हुआ किस्मत जगेगा तो सीधी सी बात है, जीवन में बदलाव तो होगा ही। जी हाँ, लेकिन दोस्तों क्रोध में आकर, आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अगर आप इस समय कोई महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं तो आप किसी जानकार या फिर एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में कोई नए मेहमान आने की पूरी संभावना, जिन लोगों की हाल ही में शादी हुआ है या फिर शादी के बहुत दिन हो गए हैं, तो उनके घर में किलकारी संबंधित समाचार सुनने को मिल सकता है। इस खुशी में भी आप सबको घर घर जाकर मिठाई खिला सकते हैं, और जिन विद्यार्थियों ने कहीं पर एग्जाम वगैरह दिया था वह खुश हो जाइए, उनका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे। जो लोग अपने नौकरी में बदलाव चाहती हूं, उनका प्रमोशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रमोशन हो सकता है, और यह आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले अगले 24 घंटे कार्यक्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सफलता तो मिलेगी लेकिन मेहनत थोड़ा ज्यादा करना। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से, उस अनुसार आपको फल मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपने सुना है कि आपकी कुंडली में महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, तो अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, लेकिन आपको सावधान रहना है उन लोगों से, जो लोग जिस थाली में खाते हैं वही थाली में छेद करती है। जी हाँ, आपको सख्त जरूरत है उन लोगों से दूर होने की, और यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपके ही आस पड़ोस के, आपके ही घर में, आपके ही अगल बगल के होते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके कर्मों का पिटारा खुलने वाला है और आपको अपने कर्मों का सही फल मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और जो लोग सोने चांदी आभूषण के व्यापार व्यवसाय, क्या खरीद बिक्री का काम करते हैं, उन्हें आज के दिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को नुकसान होने की संभावना दिख रही है। अगर हो सके तो आज के दिन आप किसी को उधार बकाया ना दें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपने जो पैसा किसी को उधार दिए थे वह पैसा आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपने कहीं पर निवेश किया था, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार,
तू पैसा दुगना होकर आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आपके घर में विवाद की स्थितियां बन रही हैं, छोटी सी बात को लेकर बड़ा कारण हो सकता है। आगे जाकर पछताने से बेटर होगा कि अभी से ही सावधान रहें और जो बात हम आपको बता रहे हैं इसे ध्यान में रखें। तो यह खतरा चल सकता है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर परमात्मा की तरफ से आपको दो बड़े शुभ संकेत मिलने वाले हैं। जी हां, और यह खुशखबरी सबको पागल करके रख देगी। लेकिन सवाल उठता है, यह शुभ संदेश आपको कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हां, तो दोस्तों कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, यह शुभ संदेश, यह खुशखबरी आपको किसी भी क्षेत्र में बन सकता है। खासकर आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहां से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं वहां से भी शुभ संदेश मिल सकता है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, तो वहां से भी इस शुभ संदेश अगले 24 घंटे के अंदर आपको प्राप्त हो सकता है। जी हां, या फिर जिन विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन में भाग लिया था, एग्जाम वगैरह दिया था, तो वहां से भी उनके लिए शुभ समाचार के रूप में वह संदेश मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिरहा सितारे हमें इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि इस राशि के जातकों के जीवन में कई बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। आपको खुद पर विश्वास रखना है और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है। एक बात हमेशा याद रखना, आप जो सोचते हैं वही आप करती हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच ही, हमेशा बड़ा सोचिए, क्योंकि सोचने में पैसा नहीं लगता है, यह बात आप सभी को पता ही है। लेकिन फिर भी आप लोग सोचने में कंजूसी करते हैं। अगर आप खुद से लड़ोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर आप दूसरों से लड़ोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको दूसरों से नहीं उलझना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। अगर आप चार जनों के बीच उठना बैठना कर रहे हैं तो अगले 24 घंटे तक अपने मुंह पर ताला मार के रखिएगा और दूसरों के बारे में बोलने से बचेगा, नहीं तो सारा कांड आपके ऊपर आ सकता है। कितना जरूर रखिएगा, आज का दिन आपके लिए तनाव भरा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में साथी से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की संभावना है, अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ना लगने के कारण उन्हें अपने कामों को करने में समस्या आएगी। आपको किसी काम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने से आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आप अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे जो आपको समस्या देंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है, तभी आप अपने साथी को खुश रख पाएंगे। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बनाएंगे तो वह आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने कामों को लेकर कुछ असुविधा रहेगी, इसलिए आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आज का दिन आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने का रहेगा। कुछ लंबे समय से रुके हुए काम आपको परेशान करेंगे। आप अपने व्यवसाय की योजनाओं को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों को आपको मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। आपको आज घर के लड़ाई झगड़े को लेकर तनाव बना रहेगा। भाई बहन को कोई शारीरिक कष्ट होने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको किसी बात को लेकर उलझन रहेगी। आज का दिन आपके लिए किसी काम को जल्दबाजी में करने से बचने के लिए रहेगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो वह आपको मिल सकता है। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपकी किसी गलती को लेकर आपको अपने अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है। यदि आपने शेयर मार्केट में पहले धन का निवेश किया था तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, और आप किसी काम को पूरा करने में अपने भाइयों से मदद ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपका बिजनेस की कोई पुरानी डील लंबे समय से अटक रही थी तो वह फाइनल हो सकती है। आपको कोई विदेश में रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन आपके जीवन साथी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी, और आप अपने घरेलू मामलों को घर से बाहर न जाने दें। आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है।
आपको यदि कोई समस्या लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह आज खत्म हो सकती है। आपकी अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई को लेकर यदि कोई चिंता चल रही है तो वह दूर होगी। आपको कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको अपने कामों को लेकर सतर्क रहना होगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। जो जातक कामों को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोग उसमें कोई बदलाव करने की योजना बनाएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आप किसी काम को आसानी से कर सकेंगे। आज का दिन कारोबार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनका धन किसी गलत काम में फंस सकता है। आपको अपने परिवार में बड़े सदस्यों की बातों को महत्व देना होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी खटपट होने हो सकती है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को कामों को लेकर सलाह करना होगा। सेहत में यदि आपने लापरवाही बरती तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी और आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपके ऊपर कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आपको कुछ चिंता सताएगी। आपको अपने कामों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी समय देना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। आपकी कोई गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर चलना बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आज का दिन बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके कुछ शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आपको अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात देनी होगी। आप अपने बेफिजूल के खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं तो आपका धन संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। यदि आपने किसी लोन आदि के लिए अप्लाई किया था तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। आप विशेष लय में हैं। आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। दिन आंतरिक ऊर्जा के उफान से शुरू होगा। आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपने प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आज से आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और एडजस्टमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हो। इससे आपका संबंध और मजबूत ही होगा। दिन आपके लिए काफी आशाएं लेकर आएगा। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचें। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा।
इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। आज आपकी किस्मत आपके साथ है, आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है, दिन कुल मिलाकर मजेदार रहेगा। आपने एक नया वर्कआउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आज आपको इसके लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप किसी नई हॉबी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे। आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा। स्वस्थ आचार विचार और व्यवहार रूपी स्वस्थ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए हैं, लेकिन उनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए, जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल है। उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बात करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं, वे इसके लिए आपका आदर करेंगे। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहे, उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाए। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का प्रयोग करें। आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा।